मेटा वर्ल्ड पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नए अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि वॉलेट के थ्रू आप किस तरह से अपना मेटा टोकन्स को स्टेक लगा सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, करना कैसे है, यहाँ सिंपल सा इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन कॉपी का यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला कॉपी यहाँ से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको आ जाना है अपने वॉलेट के ऊपर, जो कि आपने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में वॉलेट कनेक्ट यानी वेब थ्री वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है वो देखा होगा। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा पहले। अभी हम MTW टोकन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी MTW टोकन जो है इनेबल कर रखा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ ब्राउज़र पर क्लिक करना है और ब्राउज़र के बाद ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको सर्च, तो सर्च सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया था एंड यहाँ पर नीचे सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये आप कर लेते हैं तो यहाँ पर मेटा वर्ल्ड का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है एंड इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। तो यहाँ ये ओपन हो जाएगा जैसे ही, फिर आगे का स्टेप्स मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए ये ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही आप अपना आईडी पे आ जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा थ्री लाइंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आप स्टेकिंग मैनेजर पे आएंगे। स्टेकिंग मैनेजर में यहाँ क्लिक करने के बाद स्टेक यूजिंग वेब थ्री यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेकिंग मैनेजर का, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आप सेलेक्शन कर देते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी फिल करना है। तो यूज़र आईडी आप जैसे ही फिल कर देते हैं उसके बाद आपका यहाँ ऑटोमेटेड नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MTW जो मैंने अपना आईडी नंबर वो लिख दिया है, नाम मेरा ऑलरेडी आ गया है यहाँ टच करते ही। एंड यहाँ स्टेकिंग में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ कि स्टेक नाउ का जो ऑप्शन है वो अभी प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आपको एक स्मार्ट चेन यानी इस जो आईडी को है स्मार्ट चेन के ऊपर BSC पे ओपन करना है। तो यहाँ पर से आप जो नेटवर्क है वो सिलेक्शन करना, तो इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इथेरियम का एड्रेस आ रहा है, तो इसको आपको इथेरियम की जगह बिनांस स्मार्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एंड यहाँ आपके सामने ये इस तरह से पूरे जो ब्लॉकचेन्स हैं वो आ गई हैं। तो यहाँ BNB स्मार्ट चेन, तो BNB स्मार्ट चेन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप स्मार्ट चेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये जो है स्टेक नाउ का ऑप्शन प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आप इस स्टेक नाउ को यूज़ कर पाएंगे, केवल यहाँ पर आपको अमाउंट फीड करना पड़ेगा। तो जितना भी आपके अकाउंट में अमाउंट है वो आप इसे फीड कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पर आप 1000 टोकन ही स्टेक में कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेक कैसे करना है। सिंपल सा स्टेक नाउ पे क्लिक करिएगा टोकन फिल करने के बाद एंड ओके का जो पॉपअप आएगा उस ओके कर दीजिएगा और आपका ईजी वे में स्टेकिंग हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू।